जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर ऑफ़ से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको 100 क्लाइंट्स की लिस्ट मिलेगी इंशाल्लाह, जिसको आप ईमेल्स करेंगे और उसके बाद आप रिस्पांस का वेट करेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको पहले तो एक तरीकाकार बताया जाए कि किस तरह जो है क्लाइंट हंटिंग करते हैं गूगल से। वैसे तो मैंने इसका बताया हुआ, लेकिन ना इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में अभी ना जाएं, पहले पूरी वीडियो सुन लें, ताकि वीडियो को सुन के आपको पता चल जाएगा आपने काम करना कैसे है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप जब पहले उसे लिंक पे क्लिक करेंगे, देखेंगे, ईमेल्स करेंगे, याद रखें ये तकरीबन 10,000 लोग इनको ईमेल्स करेंगे, राइट। अब आपको तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जो है लिस्ट ओपन कर लेनी है, देख लेनी है। ये वो लिस्ट है जिसका DADR काम है। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपने राइट फॉर अस कुछ भी आप लिखते हैं, जो भी आप मतलब राइट फॉर अस के अलावा लिखते हैं, आपने सर्च किया राइट फॉर अस प्लस फैशन, ऐसे आपने वेबसाइट सर्च की, आप पहले पेज पे गए, दूसरे पेज पे गए, तीसरे पेज पे गए, ये जो है लिस्ट तकरीबन 40वें पेज तक गई हुई है। आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ राइट फॉर अस फैशन लिखने के बाद आप फर्नीचर लिखते हैं, होम लिखते हैं, टेक लिखते हैं, बिजनेस लिखते हैं, हेल्थ लिखते हैं, फूड लिखते हैं, ट्रैवल लिखते हैं, कितनी सारी साइट्स हैं। देखिए, अगर आप गूगल पर जाके सिर्फ गूगल पर जाके ये लिखते हैं और वो वेबसाइट निकालते हैं जिनके DADR ट्रैफिक कम है। अब मेरी एक बात सुनिए, पिछले दिनों गूगल की एक अपडेट लगी थी, पिछले दिनों नहीं बल्कि पिछले 3 से 4 महीने तक ही ऐसा हो रहा है, और मेरा ख्याल है आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जितनी भी फेसबुक पर लिस्ट है उन सबकी ट्रैफिक गिर गई है। मतलब आप देखें कि बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं ना, उनकी वेबसाइट की भी ट्रैफिक 600-700 रह गई है सिर्फ, जिनकी ट्रैफिक 40,000 थी कभी, या जिनकी 1,00,000 से भी ज़्यादा ट्रैफिक थी। मतलब गूगल ने ऐसी अपडेट लगाई, कंटेंट पे लगाई, उसके अलावा दूसरी अपडेट्स लगी हैं, तो उनकी ट्रैफिक गिर गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब आप चीज़ों को सर्च करेंगे ना, आप ये तय कर लें कि जब आप 100 वेबसाइट निकालेंगे ना, सिर्फ 10 वेबसाइट उनमें से काम की निकलेंगी, बाकी 90 की 90 वेबसाइट आपकी क्लाइंट वेबसाइट है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक टेम्पलेट को लिखने के लिए आप एक सिर्फ नीश पर जाएंगे तो आपको करोड़ों साइट्स मिलेंगी। आप एक ही नीश पे 500 वो डोमेन्स इकट्ठी कर सकते हैं, 500 वो डोमेन जिनकी ट्रैफिक, जिनके DADR बहुत लो हैं। अब ऐसी वेबसाइट्स को क्या ज़रूरत है गेस्ट पोस्टिंग की, SEO करवाने। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इधर पागल नहीं बन जाना कि उन्होंने ये मैसेज करना है कि जनाब ऐसी गेस्ट पोस्टिंग। देखिए, सबसे पहले ना आपने अंदाजा लगाना, जब आप बस में बैठे होते हैं, एक बंदा आता है ना, सबसे पहले वो अटेंशन सीकर होता है, सबसे पहले वो ऑडियंस की अटेंशन लेता है। जब आप सारे धड़ाधड़ ये 100 आपने लिस्ट देखी और धड़ाधड़ आप ईमेल करने लगे हैं, जी हम गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करते हैं, देखिए सबसे पहले आप उसकी वेबसाइट देखें कि वेबसाइट क्या है, DADR क्या है, ट्रैफिक क्या है, स्पैम स्कोर क्या है, इस टाइम जो वेबसाइट है वो किस नीश के रिलेटेड है और उसके कीवर्ड्स कितने रैंक है, आप समझ रहे हैं बात को, और उसमें जो अभी ट्रैफिक है वो करंटली किस एरिया की है और वो डोमेन कहां पे रजिस्टर्ड है। आप प्रॉपर स्टडी करें और उसके बाद उसे बताएं कि मैंने पिछले दिनों ही आपकी वेबसाइट को एनालिसिस किया, मैंने देखा कि इसकी जो है ना स्टैट्स बहुत लो है। मतलब डायरेक्ट जाके बेचना नहीं है कि आप उधर मंगते शो हो, आप उधर वो चीज शो करें कि मतलब आप फकीर हैं, आपके किसी भी बिहेवियर से ये ना लगे। और आप जब भी 100 वेबसाइट को ईमेल करें, मेरी आपने बात याद रखनी है बेटे, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, 100 की 100 ईमेल अगर आप करें तो आप कम से कम 50 टेम्पलेट्स बनाएं और 50 डिफरेंट टैबलेट्स बनाएं, जिसमें कहीं आप उसकी जो है कीवर्ड्स का जिक्र कर रहे हो, कहीं आप उसके स्टैट्स का जिक्र कर रहे हो, कहीं आप उसके ट्रैफिक का जिक्र कर रहे हो, कहीं आप उसके DADR का जिक्र कर रहे हैं, कहीं आप उसके स्पैम स्कोर का डिस्कस कर रहे हो, कहीं आप उसके इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हो, कहीं आप उसके होम पेज को डिस्कस कर रहे हो। देखिए, मैं ना गुरुओं से मिला हूँ ना दुबई जाके, तो मुझे पता लगा हर एक बंदे की वेबसाइट है, हर बंदे की कितनी कंपनीज हैं। तो देखिए, अगर उनकी कंपनीज हैं, एक बंदे की 5 कंपनीज हैं, उनकी 5 डोमेन्स हैं और उन कंपनीज के कितने काम हैं। अगर आप इस तरह सुकून से, आराम से प्रॉपर स्टडी करके उसकी पूरी कंपनीज की वेबसाइट को प्रॉपर स्टडी करके आप प्रॉपर ईमेल करते हैं तो यार आपको प्रॉपर रिस्पांस आएगा। मतलब अगर आप इस तरह पंजाबी में, मैं तो सीधे सीधे बोलूंगा, अगर आप इधर से टेम्पलेट किया, खच खच करके हर बंदे को पेस्ट करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, अब ये 10,000 लोग वीडियो देखेंगे, अब ये 10,000 के 10,000 बंदे उनको ईमेल करेंगे। देखिए, अगर ईमेल आप कर भी रहे हैं ना तो फील हो उनको अगर ईमेल जा रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये 100 लिस्ट आपने देखी है ना, ये किस तरह की आपको शो हो रही है। वैसे मेरे मोबाइल में है ये लिस्ट, मैं इसको जो है ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में, उसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक लगा हुआ, इधर क्लिक करने से पहले आप खुद मतलब आप खुद हर नीश के मुताबिक 500 वेबसाइट निकालें, फिर आप उन 500 को 500 के ईमेल करें डेली की, आप 100 ईमेल्स कर लें, आप 50 टेम्पलेट तैयार करें डिफरेंट, मतलब इतनी हैवी इंग्लिश हो, लेकिन ये नहीं कि एक ही टेम्पलेट इतना अच्छा हो कि उसके बाद आपको वो टेम्पलेट ही ना लिखना है। मतलब आप कैजुअल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज यूज करें जो लगे,
और आप अपने बिहेवियर से ये शो करें कि आपको एसईओ का नॉलेज है, आपको गेस्ट पोस्टिंग का नॉलेज है, आपको बैकलिंक्स का नॉलेज है, आपको कीवर्ड्स का नॉलेज है, आप समझ रहे हैं, आप डेवलप कर सकते हैं चीज को, आप चीज को रैंक कर सकते हैं, आप एक ही कीवर्ड्स को गूगल के टॉप पे लेके आ सकते हैं। ये सारी चीजें वैसे एसईओ से रिलेटेड है, आप सिर्फ उसे एक ही गाहे बगाहे गेस्ट पोस्टिंग बेचने की कोशिश ना करें। तो इस तरह मैं अगर आपको एक निश प्रोवाइड करता हूं तो आप कितनी नीश है, मैं वैसे बोल देता हूं, फैशन, होम, फर्नीचर, टेक, फूड, ट्रैवल, बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, कितनी सारी है, 9-10 तो मैंने गिनवा दिया। आप इसके अलावा भी देखेंगे कितनी साइट्स आ गई, आप देखिए पेट्स की कितनी सारी साइट। अगर आप इस तरह 500 वेबसाइट्स की ईमेल निकालते हैं जो 500 कंपनीज हैं, अगर आप 500 की ईमेल करते हैं यार 5 तो जवाब दें दे, तो अगर आप इस तरह 10 नीश की 500 को ईमेल्स करते हैं जो आप टेम्पलेट प्रॉपर अपने ओरिजिनल नाम से, गोरे के नाम से ना बनाए, ओरिजिनल नाम, अगर आपका नाम मारिया है, अगर आपका नाम अरसलान है, आपका नाम कुछ भी है, तो आप उस तरीके से प्रॉपर बनाए ताकि रियल लगे, मतलब आप बता लगे, और आप उनमें कहीं ना कहीं ये भी शो करें कि आप फाइवर को जानते हैं, आप फेसबुक पे आपका अकाउंट है, आप लिंक्डइन पे भी आप अच्छे, आपके अच्छे कनेक्ट्स हैं, आपके वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं, आपके पास काम है, आपके पास कंपनीज हैं, आपके पास टीम है, आपके पास राइटर है, आपके पास एसईओ के लोग हैं, आपके पास डेवलपर हैं, आपके पास कीवर्ड रिसर्च है, मतलब इतनी सारी चीजें, मतलब आप पता लगे कि यू हैव ऑथेंटिक, यू हैव नॉलेज, यू हैव अ पावर, आप समझ रहे हैं इस तरह। तो ये एक लिस्ट मैंने शेयर की, अगर आप इस तरह बैठ के रातों को जाग के अगर आप इस तरह देखिए 10,000 लोग देख रहे हैं ना, 100 बंदे ही मेरी गल मान लें, तो 100 बंदों अगर ट्राई करते हैं तो 10 बंदों को क्लाइंट मिल जाती है यार, कितनी बड़ी गल हो जाएगी, मतलब 10 बंदे ही अगर इससे अर्न कर लें, और अगर वो 10 बंदे आज इस वीडियो को देख के शुरू कर रहे हैं और एक महीने बाद अगर उनको क्लाइंट मिल जाता तो वो जरूर मेरे से रब्ता करें कि हमने जो है ना गूगल से क्लाइंट दे। और एक बात आप याद रखें, जो गूगल से क्लाइंट होगा वो मोटा क्लाइंट होगा, तगड़ा क्लाइंट होगा, वो हमेशा आपको गेस्ट पोस्ट $50 से ऊपर पे करेगा। अगर वो स्कूप अर्थ को भी ना जानता हुआ तो वो आपको स्कूप अर्थ के भी $50 पे कर देगा, अगर वो आपको जानता ना, लेकिन नहीं कि पहली बारी अपन स्कूप अर्थ ही बेच दिए, मार्केट वाच बेच दिए, नो, आप उसे ऑथेंटिक चीज ही बेचिएगा, मतलब वाकई ही वो पावरफुल हो, वो लिंक्स जबरदस्त हो, लाइक रेजिडेंस स्टाइल, ठीक है, अर्बन प्लैटर भी होते हैं, इसके अलावा भी और अच्छी साइट्स हैं, मतलब इस तरह की डोमेन से लिंक आए, ये नहीं कि प्रीमियम साइट से ही है, तो ये आपने बात माइंड में रखनी है। तो इस तरह आप भी लिस्ट बना सकते हैं, मे बी 10 बंदे ही मेरी बात पर अमल करें, उनको क्लाइंट्स मिल जाए, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी में बरकत फरमाए, या उनके जो है ना इस कोशिश से उनके जो है रिजक में आसानियां हो जाए। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, देखिए हम भी इसी तरह ट्राई करते हैं, आप भी इसी तरह ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप सर्च करते हैं राइट फॉर अस के अलावा भी कितने सारे ऑप्शन हैं, उसके अलावा भी आप फैशन की सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं, जैसे फैशन में कॉस्मेटिक्स में हम चले जाएं, ठीक है, लिपस्टिक होगी, ठीक है, ये हेयर हो गए, इसके अलावा जो है नेल पॉलिश हो गई, शूज हो गए, ठीक है, इसके अलावा लेदर जैकेट्स, कितनी सारी चीजें हैं, उसके अलावा गैजेट्स हो गए, वॉचेस हो गई, ठीक है, बहुत सारे ब्रेसलेट हो गए, रिंग्स हो गई, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, कितना पैसा गोरों के पास, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इस तरह कोशिश करते हैं और आप इतनी सारी ईमेल्स करते हैं तो सोचे कितने सारे आपको रिस्पॉन्स आएंगे, और किसी एक के साथ भी गोटी फिट होगी तो आप एक ऑर्डर से ही, या मे बी आप एक मंथ उसके साथ या 3 महीने काम करके भी 8-10 लाख रुपए आप इजीली अर्न कर सकते हैं। मेरी बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।